अब आपका चैप्टर है टाइम एंड वर्क, जो काम और समय है। तो इसमें आपका जो स्टार्ट होता है, एक टाइम है और वर्क है। तो इसमें टाइम जो है समय है, किसी का समय दिया गया है तो वह कितने दिनों में काम कर सकता है। तो हमारा इसमें एक समय होता है, इस समय जो होती कार्य की क्षमता होती है। तो एनी आपका दिया गया 5 दिन, इसमें हम 2 करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। कितना काम होगा? 10 काम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है ए और क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में, कितने 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर कितने दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। सवाल क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ए और बी को काम दिया गया है 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर से कितने दिन में कर सकते हैं। तो इसमें ए ए कितने दिन में कर रहा है, ए जो है हमारा 15 दिन में, और बी जो है वो हमारा ए जो है 10 और बी है 15, इनका हम एलसीएम लेंगे कितना आएगा 30। तो इसकी क्षमता हो जाएगी 10 जो है ये आपकी 3 गुनी क्षमता कर रहा है, ये आपका 2 से कर रहा है। तो जो क्षमता का योग करेंगे तो ए प्लस बी इनका क्षमता का योग होगा 5, हमारा कुल काम कितना है, तो कुल काम हमारा 30 है। तो एक हमारा जो है इसमें कुल काम कितना है 30, तो ए प्लस बी यानी दोनों की कार्य क्षमता जो है हमारी, इसकी कार्य क्षमता 2 है, इसकी कार्य क्षमता हमारी 3 है। तो दोनों का ए प्लस बी, जब हम क्या कह रहा है सवाल कि दोनों मिलकर इसे कितने दिन में काम कर सकते हैं, तो 5 = 30 यानी 1 = कितना निकलेगा 6। तो हमारा दोनों जो मिलकर से कितने दिन में समाप्त कर देंगे, तो दोनों मिलकर इसे 6 दिन में समाप्त कर देंगे। समझ में आया? अगर इसे ये पूछा जाए कि एक दिन में कर देगा, ए और बी ऐसे अलग अलग दिन में पूछा जाए कि ए कितने दिन में कर देगा, तो ए गुणे 3 × 6 यानी कि 18 दिन में कर देगा। अगर बी पूछा जाए तो बी कितनी क्षमता है, बी की 2 है तो 2 × 6 कर देंगे तो हमारा ये 12 दिन में कर देगा, ये हमारा 18 दिन में कर देगा। ठीक है, कुल काम है 30, दोनों जो कुल काम है टोटल काम है आपका 30। तो यहाँ पे 18 + 12 करेंगे तो आपका योग हो जाएगा कुल काम 30। तो ए कितने दिन में कर देगा, ए आपका 18 दिन में और बी आपका 12 दिन में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 टाइम एंड वर्क का। अब आपका क्वेश्चन नंबर लेके चलेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एक ए जो है एक काम को ए जो है वो एक काम को एक काम को 12 दिनों में 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी समय के आधे समय में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें, यदि
एक साथ काम, या दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम हो जाएगा? तो कितने दिन में काम हो जाएगा? सवाल क्या कह रहा है? एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी समय के आधे समय में कर सकता है, या दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? तो जो ए जो है, ए हमारा कितने दिन में कर रहा है? ए हमारा 12 दिन में कर रहा है, और उसी यानी ए के आधे 12/6 2 यानी 6 दिन में। बी कार्य कितना देर कर रहा है? बी जो कर रहा है वो आपका सेक, यानी दोनों का जब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम निकलेगा 12, तो इसकी क्षमता हो जाएगी 1 और इसकी क्षमता हो जाएगी 2। तो ये दोगुनी कैसे कार्य कर रहा है? ये 1 गुनी, तो दोनों जब क्षमता का योग करेंगे तो क्षमता यानी कि 1+2 यानी कुल काम आपका 12 है, तो 3 यानी 1 जो है मान निकलेगा 4। जो हमारे दोनों क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है दोनों एक साथ काम करें, तो दोनों एक साथ काम करेंगे तो क्षमता का योग होगा, तो 3/12 यानी 1/4, तो 4 दिन में काम कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर इसे एक साथ कितने करें? दोनों मिलकर 4 दिन में समाप्त कर देंगे। समझ में आया? क्या कह रहा है? ए जो है हमारा 12 है दिन में समाप्त करता है, बी उसी समय के आधे यानी 12 है उसके आधे समय में हमारा कार्य कर रहा है, तो 6 आया, इनका हम एलसीएम लिया है 12, इसकी क्षमता 1 गुनी, इसकी क्षमता 2 गुनी, इनकी क्षमता का योग होगा, तो दोनों एक साथ काम करेंगे, तो 1+2 यानी 12 3/12, तो दोनों मिलकर इसके 4 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका एक और विध है, अगर इसकी दूसरी विध से करेंगे, दूसरी विध होती है आपका सूत्र होता है ए गुणे बी, तो ए गुणे बी है, ए का मान हमारा कितना है 12, और गुणे बी का मान कितना है 6, और ए प्लस बी यानी 12+6, तो बात छंग 72/18, इसका करेंगे तो 18 चौक 72 यानी 4 दिन ही निकलेगा। सही। अब क्वेश्चन नंबर आपका, ये आपका कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे लिखे चले गए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन